रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना यानी कि IIIT ऊना का दूसरा दीक्षांत समारोह 30 नवंबर को NIT हमीरपुर के सभागार में आयोजित किया जाएगा। प्रोफेसर LN पटनायक अनुबंध अध्यापक एवं INSA वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान IIIT ऊना के डायरेक्टर S. सेल्विकुमार ने की। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना IIIT ऊना का दूसरा दीक्षांत समारोह 30 नवंबर को NIT हमीरपुर के सभागार में होगा। समारोह में प्रोफेसर LN पटनायक अनुबंधक अध्यापक एवं INSA वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। ये बात पत्रकार वार्ता के दौरान प्रोफेसर S. सेल्व कुमार डायरेक्टर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना ने कही। And after that, they will, from 50 students from Kerala will come to our institute. In November, IIIT Una will be celebrating its second convocation in auditorium of NIT Hamirpur campus. Professor LN Patnaik, he will be the chief guest. He is adjunct professor, INSA senior scientist, conscious studies program, National Institute of Advanced Studies, Indian Institute of Science, Bangalore, and Professor Sri J.C. Sharma, Principal Secretary, IT. He will be the guest of honor, and he will also be participating in the convocation. He will also be participating in the convocation. About 42 students will be receiving their degrees in both CSE and ECE branches. This is our second convocation. डायरेक्टर प्रोफेसर S. सेल्व कुमार ने कहा कि दीक्षांत समारोह में बीटेक के कुल 42 मेधावियों को उपाधियां दी जाएंगी, जबकि 6 मेधावियों को उपाधियों के अलावा पदक देकर भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कुल 25 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर में कुल 17 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि समारोह में डिग्रियां मेधावियों को भारतीय परिधान में ही सम्मानित किए जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल पार्क AI टेक पार्क हैज बीन सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अबाउट इट्स आल्सो अबाउट 10 करोड़ रुपीस। सो वंस इट कम्स वी विल सेट इट इन आवर परमानेंट कैंपस। So these are the two research proposals which have been already submitted to MHRD and Government of Himachal Pradesh for possible funding. प्रोफेसर S. सेल्व कुमार ने कहा कि जल्द ही IIIT ऊना का अपना भवन होगा और उसके लिए काम तेजी से चला हुआ है। उन्होंने कहा कि IIIT ऊना के टेंडर हो चुके हैं और एडमिन ब्लॉक, अकेडमिक ब्लॉक, 2 बॉय हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल करीब 800 बच्चों के लिए बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी को 1.5 साल के अंदर सारा काम पूरा करना होगा और दिसंबर माह के पहले सप्ताह में भूमि पूजन होने की उम्मीद भी है। One director residence and one transit hostel. So all these 7 blocks will be coming up. We are discussing with ministry and government of Himachal Pradesh officials who are the stakeholders of our institute for Bhumi Puja during maybe in mid of December, first week or mid of December. That's the plan. And you know,